प्रश्न, रहम दिल बाप, तुम बच्चों पर किस रूप से, कौन सा रहम करते हो? रहम के सागर, रहम दिल बाप, तुम बच्चों पर किस रूप से, कौन सा रहम करते हैं? सारी दुनिया पुकारती आई है, रहम करो, दया करो। अब उनकी सोच, हमारी सोच और बाबा के रहम में क्या अंतर है? अब तक हम समझते थे कि भगवान आएगा, हमारी बीमारियां ठीक करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हम जो कहेंगे वो करेगा। बाबा कहते, बच्चे मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूं, इतना प्यार देता हूं जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। क्या प्यार देते हैं? अपने प्यार को बाबा हमें समझाते कि मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता। पवित्र प्यार देते हैं, इसका मतलब दुनिया में कहीं भी पवित्र प्यार नहीं है। तो कौन सा प्यार है? अपवित्र प्यार। शुद्ध प्यार अर्थात रूहानी प्यार, क्योंकि हमारा शुद्ध स्वमान, शुद्ध अहंकार है कि हम आत्मा हैं। ये सिवाय बाप के आज तक ना कोई बता सका और ना बता सके। परमात्मा ने आकर हमें शुद्ध स्वमान दिया कि आप आत्मा हैं, और अशुद्ध अहंकार हमारे पास था कि हम देह हैं, और देह समझकर झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार से ही हम प्यार करते आए, और उम्मीद भी यही करते थे कि ये सब साधन, ये सब जो मेरे संबंधी हैं, झूठे संबंधी हैं, वो हमें भी प्यार दे। परंतु उससे हमारे जीवन में कोई खुशी, कोई सुख नहीं आया, और ही ज्यादा दुख बढ़ते ही गए। तो अब बाबा आकर सच्चा पवित्र प्यार देते हैं, हम आत्माओं को प्यार करते, हमें अपना बच्चा बनाते हैं। कितना बड़ा नशा देते हैं कि तुम ईश्वरीय संतान हो। आज तक हम समझते आए कि हम उनके चरणों की धूल हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, दास हैं, गुलाम। बाप बनकर हमें पवित्र प्यार, जो अविनाशी प्यार है, वो बाबा हमें देते। फिर टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम्हें बहिष्ट की बीवी बना देता, स्वर्ग का मालिक बना देता। कितनी वंडरफुल बात है कि आज तक जो भी पढ़ाई मिली उसका लाभ इस जन्म में मिला या नहीं मिला, परंतु ये पढ़ाई है जिससे हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं।